वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का जो ALP और ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो है जिन बच्चों ने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था उनका एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है, यानी कि उसमें आप जान सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जिन बच्चों का फॉर्म कुछ गलत हो गया है तो उसमें किस तरह से उसमें सुधार किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जो है इस रेड कलर के बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे देखिए रेड कलर का बटन आप क्लिक करेंगे तो ये आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो हम डालेंगे अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप गूगल में जाइए और यहाँ पर डालिए RRB आप डालिए, ठीक है, तो आपको इस तरह से खुल जाएगा। तो देखिए ये जो फर्स्ट इंडियन रेलवे गवर्नमेंट .in व्यू सेक्शन, तो आप इसमें जाइए, आप इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से रेलवे का जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको खुल जाएगा। इसमें देखिए इसमें सारे जो रेलवे का जो बोर्ड है सारे बोर्ड का नाम आ जाएगा, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, इस तरह से सारे बोर्ड का नाम है। तो आपने जिस भी बोर्ड से ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट करना है इनमें से, ठीक है, कोई भी बोर्ड आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि अगर किसी बच्चे ने अगर अहमदाबाद किया है तो वो अहमदाबाद को सिलेक्ट करेगा, अगर अजमेर को किया है तो ग्रुप डी के लिए, ठीक है। लेकिन टेक्नीशियन के लिए ऐसा मतलब कुछ भी नियम नहीं था, आपको स्टार्टिंग में बोर्ड सेलेक्ट करना नहीं था ALP और टेक्नीशियन के लिए, तो उसके लिए अलग केसेस है, उसके लिए भी हम लोग चेक करेंगे। तो लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम सिकंदराबाद बोर्ड से जिसने भी अप्लाई किया है उसके बारे में हम लोग पहले देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी बोर्ड है आप उसको सेलेक्ट कीजिए, सारे लोगों का मेथड्स एक ही है चेक करने का, ठीक है। तो आप जैसे कि मैं सिकंदराबाद बोर्ड का एक स्टूडेंट का मैं उसे चेक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ सिकंदराबाद पर क्लिक करेंगे, तो ये RRB सिकंदराबाद यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो गया। तो देखिए इस तरह से इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है RRB सिकंदराबाद का, तो ये आपको ओपन हो गया। तो देखिए यहाँ पर सारे चीज़ दिया हुआ है, यहाँ देखिए दोनों का अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, जो CEN नोटिस जो है 1/2018 है इसमें असिस्टेंट लोको पायलट है और टेक्नीशियन का है। तो इस चीज़ में जैसे देखिए यहाँ पर है जिसने भी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए किया है तो वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इस जगह आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर पे, और इसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक किए तो ये देखिए लोड हो रहा है। तो आप जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है मतलब आपका जो होम स्टेट है जो भी आपने एड्रेस में दिया है तो उस स्टेट को आपको इसमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए कि अगर झारखंड से है तो वो झारखंड सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर जहाँ वो बिहार से है तो वो बिहार वाला स्टेट, जैसे झारखंड से है तो ये सेलेक्ट कर लेगा, झारखंड पे क्लिक करेगा। अगर बिहार से है तो बिहार क्लिक करेगा, केरला से है तो केरला क्लिक करेगा, ठीक है। तो इस राजस्थान से है तो राजस्थान क्लिक करेगा। तो इस तरह से आपको जो है जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के टाइम में आपसे पूछा गया था कि आप किस स्टेट के हैं मतलब किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसको क्लिक कीजिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से हैं तो अरुणाचल प्रदेश क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद जो है आपको लॉगिन करने के लिए दिया जाएगा, तो हम जो है आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बिहार ही हम क्लिक करके दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के लिए आपको दिया गया है। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड दिया इसको डालिए, ठीक है। उसके बाद जाकर आप लॉगिन कर दीजिए, तो लॉगिन करने के बाद जो है आपको मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जाके आपको दिखा देगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो
वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिख देते हैं, ठीक है, आपका एक्सेप्ट हो गया है। अगर कोई बच्चे अगर भूल गए हैं रजिस्ट्रेशन आईडी, तो यहाँ पर फॉरगोट रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक करके क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको, तो ये आपसे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी मांगेगा। तो ये दोनों चीज़ आप भर के ये सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए, तो आपके ईमेल आईडी पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। तो ये आपका जो है लोको पायलट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए है। तो हम लोग जो है चलते हैं फिर देखते हैं इसके लिए। देखिए इसमें अगर जहाँ किसी भी बच्चे का अगर फोटोग्राफ सब कुछ अगर मिस्टेक हो गया है, फोटोग्राफ सब में कुछ गलती हो गई है मान लीजिए अगर कुछ बच्चे का, तो उसके लिए जो है एक ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए क्लिक हियर फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनवैलिड फोटोग्राफ। तो इनवैलिड फोटोग्राफ जिन भी बच्चों का है तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम करके दिखाएं आपको इनवैलिड फोटोग्राफ के लिए। तो ये देखिए खुल गया यहाँ पर पूरा। तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने कहा है कि जो भी मतलब इनवैलिड अगर किसी भी बच्चे का अगर फोटोग्राफ हो गया है तो उसके लिए हम फिर से मौका दे रहे हैं, मतलब उसके लिए ठीक कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसके लिए देखिए टाइम बॉन्ड किया गया है कि 20/7/2018 ये जो है टाइम है आपका कि 20 जुलाई तक में आपको जो है रात के मतलब 12 बजे तक में आपको इसको प्रॉपर जो है जिस भी बच्चे का इनवैलिड फोटोग्राफ के कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो वो लोग जो अपना फोटोग्राफ उसमें सुधार सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर नीचे जो है ये लिंक दिया है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है आपको खुल जाएगा, उसमें जो है आपको फोटोग्राफ मतलब लॉगिन करके फोटोग्राफ सुधारने का मौका दिया जाएगा। तो चलिए इसको जो है क्लिक करके देखते हैं। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से वही स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आता है। तो हम लोग इस बार जो है मान ली दिल्ली कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ डालना, ये डालना है। फिर उसके बाद आपका जो है फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको जो भी इनवैलिड फोटोग्राफ होगा उसको आपको सुधार करने के लिए दिया जाएगा। देखिए ये इन सारे चीज़ों को भरिए, रजिस्ट्रेशन आईडी को भरिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, ये सब, ये सिक्योरिटी कोड ये जो दिया हुआ है इसको इसमें फिलअप करके लॉगिन कीजिए, आपको जो है दे दिया जाएगा उसमें फोटोग्राफ चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ALP को कर सकते हैं। सेम प्रोसेस जो है आपके आपको जो है ग्रुप डी के लिए भी सेम प्रोसेस है। तो ग्रुप डी के लिए भी हम लोग देख सकते हैं इसके लिए। जैसे देखिए इसमें जो है हम लोग यहाँ पर देखिए दूसरा जो सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है ये ग्रुप डी के लिए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए एप्लीकेशन स्टेटस है, इसके नीचे क्लिक हियर है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ग्रुप डी के लिए खुल जाएगा। और जिसको भी अगर इनवैलिड फोटोग्राफ के कारण से रिजेक्ट हो गया है जिनका भी फॉर्म, तो वो लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर नोटिस ऑन, ये मतलब इनवैलिड फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर है। तो चलिए हम लोग पहले एप्लीकेशन स्टेटस को देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करते हैं ग्रुप डी का, तो ये जो आपको पर्टिकुलर बोर्ड तो आपको पहले ही सेलेक्ट कर लेना है। तो बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको इस तरह से दोनों साइड में मिलेगा। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इधर हमने करके दिखा दिया आपको, अब जो है ग्रुप डी के लिए हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो एप्लीकेशन स्टेटस देखिए चेक करेंगे, इसके लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ये खुल गया वेबसाइट, यहाँ कैंडिडेट लॉगिन है, कैंडिडेट लॉगिन आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है कैंडिडेट लॉगिन के लिए है, तो यहाँ पर आपको जो है कैंडिडेट लॉगिन करना है इस जगह पर। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन करते हैं। कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद जो है आपका किस बोर्ड से आपने अप्लाई किया था फॉर्म उसको आपको करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि अगर किसी ने सिकंदराबाद बोर्ड अगर सेलेक्ट किया है तो वो सिकंदराबाद बोर्ड पे यहाँ पर आकर करेंगे। अगर अहमदाबाद बोर्ड से आपने अप्लाई किया था ग्रुप डी का फॉर्म तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। पटना बोर्ड से किए हैं तो आप लोग यहाँ कीजिए, रांची, कलकत्ता, चेन्नई, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, अजमेर, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, गोरखपुर, बिलासपुर, बेंगलुरु, मुंबई, जिस भी बोर्ड से आपने सेलेक्ट किया है फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में उस बोर्ड को आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो देखिए हम सिकंदराबाद बोर्ड का सेलेक्ट करते हैं और एक स्टूडेंट का जो है हम लोग
देखेंगे कि उसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए बोल रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोल रहा है, और ये कैप्चा दिया हुआ है, इसको कह रहा है इंटर करने के लिए। तो हम लोग करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर पहले डालते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 2881169514, ये हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। इसका डेट ऑफ बर्थ भी डालते हैं हम लोग, उसके बाद कैप्चा डालते हैं। अच्छा इनवैलिड फॉर्मेट दिखा रहा है, मतलब अच्छा यहाँ पर से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गया, आप इस कैप्चा को इंटर कीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कैपिटल में है या स्मॉल में है। तो ये जो है एस डी, और इसके बाद है फिर 966, तो इसको जो है हमने यहाँ पर किया। उसके बाद जाकर जो है यहाँ आपको लॉगिन जो है ये लॉगिन पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पता चल गया कि योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो ये आपका जो है जो फॉर्म है ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर लिखा कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर फर्दर अपडेट। अगर आपको और भी फर्दर अपडेट के लिए आपको जो है लगातार विजिट करते रहिए RRB के वेबसाइट पर। तो इस तरह से आपको अगर फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा तो इस तरह से आपको शो करेगा कि योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, इस तरह से लिखा गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर एक्सेप्ट हो गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का फॉर्म अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो वो लोग जो है उन लोगों को मेल भी किया है RRB ने, उन्होंने अपने नोटिस में लिखा है कि हमने बच्चों को मेल भी किया है। लेकिन अगर जहाँ कुछ बच्चों को अगर मेल नहीं मिल पाया किसी कारण से, तो वो लोग को लिए 20 जुलाई तक आपको चांस दिया गया है कि आप अपने फ़ोटो को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुए हैं वो फ़ोटो के कारण से ही हुआ है। तो चलिए इसको लॉग आउट कर देते हैं अभी, ठीक है। इसको लॉग आउट कर देते हैं और हम लोग आते हैं, बात कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो है जो जिन बच्चों का जो है रिजेक्ट हुआ है तो उनके लिए जो है यहाँ पर दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर नोटिस फॉर फाइनल, ये इनवैलिड फोटोग्राफ के लिए है, ठीक है। ये दोनों मिक्स हो गया है यहाँ पे। तो इनवैलिड फोटोग्राफ जिनका जिनके कारण से रिजेक्ट हुआ है तो वो लोग यहाँ पर क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं इसमें क्या आता है। तो इस तरह से हम लोग क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट इनवैलिड फोटोग्राफ के कारण से जिन भी बच्चों का रिजेक्ट हुआ है तो उनके लिए ये दिया गया। तो वो लोग जो है वेबसाइट पर आकर यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो इनमें जो है अभी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया, लेकिन ये लिंक दे देगा, ठीक है। अभी लिंक नहीं दिया है इसमें ग्रुप डी वाले में, लेकिन उसमें दे दिया गया टेक्नीशियन के लिए दे दिया गया है लिंक। तो उसमें आप लोग लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी आप लोग लॉगिन करके आगे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप लोग जिन जिन बोर्ड से आप लोग अप्लाई किए हैं उन बोर्ड के वेबसाइट पर जाइए और आप लोग चेक कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।